महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के कई नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री नए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह सबको साथ लेकर लोगों की सेवा की और लगातार काम करते रहे, ये जीत उसी का नतीजा है। मुझे यकीन है कि आगे भी देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल के नेतृत्व में महाराष्ट्र और हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल और बेदाग छवि से सरकार चलाई वो सराहनीय है। हरियाणा में दोबारा मनोहर लाल पर जनता का विश्वास जताना बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में हमें 3% ज्यादा वोट मिले। एक तरह से कहें तो हमें हरियाणा में अभूतपूर्व जीत मिली है। हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने जिस तरह से बीजेपी के प्रति जो विश्वास जताया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे, और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उनके गत 5 वर्ष के कार्यकाल को मैं, जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आज जो दोनों राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, उसमें महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सेना युति पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। श्री देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर जी ने दोनों राज्यों की जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए ये सरकारें चलाई, और 5 साल पूर्ण करने के बाद जब चुनाव का नतीजा आया, मुझे इस बात का आनंद है दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। दोनों राज्यों की जनता ने हमारे मुख्यमंत्रियों को काम को ठप्पा लगाने का काम किया है।